फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इन योर सोशल मीडिया सर्कल्स. थैंक यू. नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार. ये रीडिंग है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए, जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 के दिन. वास्तुवाइज बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में क्या है क्या नहीं है वो कुछ पता नहीं है, और जब तक पर्सनली जाके चेक ना किया जाए तब तक वो सही नहीं होता ऐसे कुछ भी उलझुल बता देना. बट हाँ, टैरो रीडिंग से क्या मालूम पड़ता है तो ये है. अब सबसे पहले, हाँ, ये एक अच्छे दिन किया गया है, ये शुभ साबित होगी. ये जो बिल्डिंग है ये शुभ साबित होगी, भारत देश के लिए अच्छी साबित होगी ओवरऑल, जिस तरह के कार्ड आए हैं. और इसका यानी जिस तरह का कार्ड आया है इसका वास्तु भी भारत देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा. बट कितना? नॉट अप टू एक्सपेक्टेशंस. अभी जो प्रेजेंट भारत की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इसका तो अभी अभी उद्घाटन हुआ है. इसके पहले की जो राउंड शेप्ड और वो त्रिकोण शेप प्लॉट पे थी, अब ये दोनों ही चीज़ गलत होती है. राउंड शेप्ड है इसका मतलब इसकी चार दिशाएं तो हैं, लेकिन जो आठ दिशाएं होती हैं जैसे साउथ वेस्ट वगैरह वगैरह, नॉर्थ ईस्ट, तो इस तरह की दिशाएं है ही नहीं, वो कट गई हैं जो अभी तक की पार्लियामेंट बिल्डिंग थी. इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सालों तक कुछ डिसीजन मेकिंग सही नहीं हुआ, आधी अधूरी किसी को भी, बहुत कम मेजॉरिटी वाली सरकारें आती रहीं. अब जो सरकार आती है फुल मेजॉरिटी में आई, बीजेपी की या एनडीए की सरकार, ये भी कुछ लॉज बनाने को लाते हैं तो उसके खिलाफ़ भी लोग खड़े हो जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है. यानी लॉज बनेंगे भी तो विरोध हो जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन है. अब ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होने वाली. इसमें जो लॉज बनेंगे वो इम्प्लीमेंट भी किए जाएंगे. ये तीनों जो कार्ड हैं वो बताते हैं इम्प्लीमेंट किए जाएंगे. बट कहीं ना कहीं, जैसे जिस तरह का कार्ड है, काम तो होगा, थ्री कप्स डाउन टू कप्स अप, यानी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं होगा लेकिन होगा. कुछ मामलों में बहुत अच्छा होगा और कुछ मामलों में ओके ओके. अब किसी तरह का कोई हमला इस बिल्डिंग पे हो सकता है क्या इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, टेररिस्ट अटैक वगैरह? तो नहीं. बट हाँ, इस बिल्डिंग को नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से नुकसान हो सकता है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये धोखा रहेगा. और मोदी जी ने साल 2020 में इसकी शुरुआत की थी, नींव रखी थी, और 2023 में बन के तैयार है. तो इसके पीछे क्या कोई रीज़न था? ये देखिए, ये कार्ड आया है, ये आदमी हैं, इसकी प्लानिंग हो चुकी है. अब ये एक्शन, अपने प्लान को एक्शन में डालना चाहता है और एक्सपेंशन करना चाहता है. तो ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है नई, इसका एक ही ये हो सकता है कि अब जो संसद की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी. अभी 543 है, तो हो सकता है कि और बढ़ाई जाए, यानी हर क्षेत्र को और डिवाइड किया जाए, तो ये होने के बहुत चांसेस है, एक्सपेंशन होने के, वो भी जल्दी ही होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ने डिसाइड किया हुआ है और अब वो एक्शन लेना चाहता है एक्सपेंशन के लिए. सो ऑल इन ऑल, जिस तरह के ओवरऑल कार्ड्स हैं,
यही दिखता है कि यस, ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये भारत देश के लिए शुभ साबित होगी, अच्छी साबित होगी। थैंक यू।